हालांकि जिस कामिकाजे ड्रोन के जरिए रूस ने यूक्रेन में तबाही मचाई है वो ईरान ने उसे दिया है। ये ड्रोन इतना ज्यादा मारक साबित हुआ है कि अब रूस उसकी कई खेप और लेने वाला है। यानी पुतिन को अंदाजा है अगर यूक्रेन का काम तमाम करना है तो कामिकाजे ड्रोन के जरिए ये काम आसानी से हो सकता है। हमला कितना हाहाकारी होता है ये पुतिन ने एक बार नहीं दो दो बार बता दिया। अब भी ज़ेलेंस्की को क्रीमिया ब्रिज पर अटैक करने का गुमान हो तो कीव की इन प्रलयंकारी तस्वीरों को उन्हें रिपीट मोड में कई दफा देखना चाहिए, क्योंकि क्रीमिया ब्रिज पर तो सिर्फ एक बारूद से भरे ट्रक ने विस्फोट किया था, लेकिन जब उसका बदला पुतिन ने लिया तो कीव पर पहले क्रूज मिसाइल बरसी और फिर ड्रोन बटालियन ने एक साथ एक जैसा हमला कीव शहर के अलग अलग इलाकों में कर दिया। रूस ने ईरानी ड्रोन शहीद के जरिए यूक्रेन में स्पेसिफिक टारगेट पर अटैक किया। मंचा विंटर से पहले यूक्रेन को घुटनों पर लाने की है, इसीलिए वो यूक्रेन में उन जगहों पर अटैक कर रहा है जो एनर्जी के सोर्स है, जहां से कम्युनिकेशन किया जाता है। इस तरह के अटैक में ईरान का कामिकेज ड्रोन काफी असरदार साबित हो रहा है। इसके पीछे शहीद ड्रोन की कई खासियतें हैं। सबसे बड़ी खासियत स्वार्म तकनीक से लैस होना है। इसके अलावा ये हवा से हवा में और हवा से जमीन पर अटैक करने में माहिर है। रॉकेट और हल्की मिसाइल लेकर उड़ान भरने में सक्षम है। इसकी रेंज करीब 2200 किलोमीटर है। ये करीब 5 से 50 किलो तक वॉरहेड के साथ अटैक कर सकता है। शहीद 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। इसकी लंबाई करीब 11 फीट और वजन 200 किलोग्राम तक है। शहीद लंबी दूरी तक टारगेट पर सटीक अटैक कर सकता है। खास बात यह है कि यह दुश्मन के रडार को चकमा दे सकता है। इसे GPS और INS नेविगेशन के जरिए कमांड किया जाता है। शहीद 136 को कामिकेज यानी सुसाइड ड्रोन कहा जाता है, जो टारगेट पर अटैक करके क्रैश हो जाता है। एक तरीके से ये क्रूज मिसाइल और ड्रोन के बीच का हाइब्रिड वेपन है, जो स्वार्म तकनीक से लैस है। अब स्वार्म तकनीक के बारे में समझिए, जो वॉर में गेम चेंजर साबित हो रही है। स्वार्म का मतलब झुंड होता है, यानी एक साथ कई ड्रोन अटैक करते हैं। स्वार्म ड्रोन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए दुश्मन के खेमे में जाकर सुसाइड अटैक कर सकते हैं। इन्हें एक साथ एक पेरेंट ड्रोन से लॉन्च किया जाता है। एक साथ सैकड़ों छोटे छोटे ड्रोन्स को हथियारों और कैमरों से लैस करके दुश्मन के इलाके में भेजा जा सकता है, जहां ये टारगेट फिक्स करने के लिए तीखी उड़ान भर सकते हैं, कम स्पीड से उड़ सकते हैं या फिर दुश्मन पर लैस हथियार से अटैक कर सकते हैं। और साथ ही टारगेट पर जाकर खुद को उड़ा सकते हैं, जिससे टारगेट भी ध्वस्त हो जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए स्वार्म ड्रोन्स कंट्रोल सेंटर के संपर्क में जुड़े होते हैं और आपस में भी इंटरकनेक्टेड होते हैं, यानी टारगेट इंटरचेंज भी कर सकते हैं।
एआई की स्वार्मिंग एल्गोरिदम के चलते ये सभी ड्रोन अपनी अपनी जिम्मेदारी खूब बांट लेते हैं। इसके अलावा स्वार्म ड्रोन्स बिना एक दूसरे से टकराए सर्च एरिया में जाकर टारगेट भी कर लेते हैं। एआई से युक्त ऑटोमेटिक टारगेट रिकग्निशन यानी एटीआर से ड्रोन खुद टैंक व्हीकल और सैनिक को पहचान कर कंट्रोल स्टेशन को जानकारी दे देता है। स्वार्म ड्रोन्स पर गाइडेड अनगाइडेड क्लस्टर लेजर गाइडेड हीट बम और छोटी मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। जो दुश्मन के इलाके में अगर एक साथ हमला करते हैं तो भयानक तबाही मचेगी। इससे दुश्मन का कोई टारगेट छूटने की गलती नहीं होती है। इसी खासियत की वजह से रूस ने कीव में भारी तबाही मचाई है। रूस ने ईरान से करीब 1000 ड्रोन की खेप अगस्त में ली थी। बताया जा रहा है कि अब 2500 ड्रोन की डील हो चुकी है। हालांकि ईरान इस पर कुछ कहने से बच रहा है, जबकि यूक्रेन ईरानी ड्रोन के खतरे से बचने के लिए इजरायली डिफेंस सिस्टम डोम लेने जा रहा है। इस लिहाज से सुसाइड ड्रोन जंग में निर्णायक साबित होने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।